इस भीड़ को देख के अंदाजा लग गया कि टक्कर में कोई है ही नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो कोई बात नहीं, इस बार हटा देंगे भाजपा को भी। जब तो मुसलमान आगे बढ़ेगा, जब इतने बड़े बड़े बच्चे आगे बढ़ेंगे। मोदी को तो बिल्कुल ही नहीं देना है, वोट को फेंक देना, पर मोदी को वोट नहीं देना। आज यहाँ ओखला के बटला हाउस में मैं हूँ। यहाँ पर ओवैसी आई है, ओवैसी साहब आए हैं, AIMI के चीफ यहाँ पर ओवैसी साहब आए हैं और यहाँ तमाम लोग आए हैं। आपको मैं दिखा दूँ कितनी संख्या में यहाँ तमाम लोग जुटे हैं। यहाँ पर एक सभा, जनसभा जोड़ी गई थी जिसमें ओवैसी साहब यहाँ पर आए। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर टूट पड़ी। यहाँ पर महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। हाँ, यहाँ पर आज ओवैसी साहब आए हैं, MCD चुनाव के लिए यहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। क्या लगता है कि BJP आप में टक्कर है, ओवैसी साहब की पार्टी से कोई प्रत्याशी? आपको इस भीड़ को देख के अंदाजा लग गया कि टक्कर में कोई है ही नहीं, वो तो आज ही निकल गए। आज ही निकल गए। इलेक्शन तो होना है 4 तारीख को, मगर ये जो जमावड़ा, ये भीड़ देख के लग रहा है कि आज ही निकल गए। कई बार होता है कि भीड़ जुटती है लेकिन वोट कहीं और चला जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकाऊ भीड़ नहीं है। हाँ, खरीद से शाहीन बाग पे तोहमते लगती आई है, तो वो ऐसा नहीं है? वो तो बेबुनियादी है। हाँ। जलने वाले क्या करते हैं, तोहमते ही तो लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, नामी लोग आके चले जाते हैं। यही रहते हैं आप? जी, हम यही रहते हैं। और भी है, क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम पढ़ते हो? जी। तो अभी यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं, इतनी तमाम संख्या मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसी जनसभा में, जो भीड़ उमड़ रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसा जनसैलाब आ गया। ओवैसी साहब आए, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी MCD में? यही वाली पार्टी आएगी, AIMIM। सामने आपको क्राउड से समझ आ गया होगा, वोट कहीं और चला जाता है हमेशा। इस बार नहीं होगा, इस बार यहाँ की जो पब्लिक है वो काफी। ऑप्शन नहीं था तो मजबूरी वोट देना पड़ता था। अब हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों नहीं देंगे, हम इन्हीं को देंगे, हमेशा देंगे। 15 साल से तो BJP है MCD। हम जो हमारा जो काउंसलर था, हम उस पर काफी यकीन करते थे कि मतलब ये कुछ करेगा, बट हमने काफी चांस दिया और कुछ नहीं किया उसने। लेकिन अब इंशाल्लाह ये आएंगे जरूर। ये आएंगे जी। क्या नाम है आपका? इकरा। पढ़ते हो? जी जी। तो यही रहते हो? जी जी। आप भी आए हो यहाँ पे? स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में पढ़ते हो, तो उम्र से नहीं लग रहा है। तो अभी मतलब इतना चुनावी जो माहौल दिख रहा है उसमें आप लोग भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत इंटरेस्ट है हमारे बटला, उसमें शेर आ गया। अब क्या शेर, वो शेर पूरे ओखला, पूरे मुस्लिम के लिए आवाज वही एक शेर उठाता है। अगर वो शेर उठ के आगे तब वोट उसे नहीं देंगे तो किसे देंगे? पहले रिजल्ट दिख रहा है इसलिए हमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। स्टूडेंट्स कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि आ रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है रिजल्ट कि ये AIMIM ही आनी है इस बार इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शहजादा सिद्दीकी है। जी जी जी। जन सैलाब ये पहली बार हुआ है या हमेशा होता है जब या ओवैसी साहब आए हैं इसलिए हुआ है? हम यहाँ काफी अरसे से काफी इलेक्शन हमने देखा है, लेकिन वाकई यकीन करें अगर एक सच और हक की बात है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है, ऐसा हुआ है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये मैसेज जो है ओवैसी साहब का, ये हमेशा रहा है और जोड़ते गए लोगों को, और इसकी तैयारी में सारे लोग लगे हुए थे। और हम एक हफ्ते से हम लोग लगे थे कि ओवैसी साहब आ रहे हैं तो यहाँ इक्वेशंस बदलेंगे, कंडीशंस काफ़ी चेंज होंगी और चुनाव जो है, इलेक्शन जो है, एक रुख पकड़ेगा, एक रुख बदलेगा। BJP और आप में कांटे की टक्कर है, और जो भाजपा है लगातार वो भी अपने दावे वादे कर रही है और 15 साल से है, और अभी भी सिक्का शायद उसका चल जाए ऐसा बोला जा रहा है। सारे दावे खोखले हैं यहाँ पे, खोखले हैं, क्योंकि दावे कहाँ होते हैं कि जहाँ कुछ हुआ होता है। यहाँ का दावा 15 साल 8 महीने से, 8 महीने से सारी पब्लिक देख रही है, हम खुद भुगत रहे हैं। सीवेज के कई इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, आना जाना घरों के बच्चों का, ये बहुत सारी बातें हैं। तो उस बदलाव के लिए लड्डन भाई को हम लोग चाह रहे हैं कि लड्डन भाई के भाई को लाएं और उनको उनको हिम्मत बनाएं अपने इलाके के लिए। आप पार्टी जो है वो भी आ रही है, क्योंकि भैया उसने तो एजुकेशन मॉडल जो है बहुत बढ़िया कर दिया है। एजुकेशन मॉडल का बाहर डंका बज रहा है, और फिर बिजली पानी फ्री है महिलाओं के लिए बसेस भी फ्री दी हुई है। देखिए कुछ हद तक चीज़ें जो हैं, जिसमें कि स्कूल की बात करें या महिलाओं की बात करें, ये चीज़ें एक हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि एक अच्छा वो है। बट ये है कि हमें अपने बुनियादी इलाके के जो हमारे मुद्दे हैं ना, हम उन चीज़ों पे लड़ रहे हैं। हमारे रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, हमारे जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं,
सड़कों पे आना, गलियों में पानी, गलियों में कूड़ा कचरा, उन बुनियादी और लोकल मुद्दों पे ये इलेक्शन चला जा रहा है। मतलब इस तरीके के कूड़ा और जगह जगह कचरा और नालियां बह रही हैं। आप कभी दिन में आके और बटला हाउस जाकिर नगर की गलियों से निकल जाएं, आपको 15 साल 8 महीने के काउंसलर का काम की हुई चीजें समझ में आएंगी कि उन्होंने क्या किया है। और 15 साल से क्यों आ रही है एमसीडी में वही एक ही पार्टी, क्यों आ रही है 15 साल से? काम कर रही होगी तभी तो आ रही है। काम नहीं है यहाँ पे, कई एलिमेंट्स हैं जो काम करते हैं, जो उनको लाने का काम करते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बटला जाकिर नगर एक हमेशा से एक न्यू बिल्ड इलाका रहा है और बहुत सारे ऐसे एसोसिएट्स हैं कि जो उनसे जुड़े हुए हैं और जो उनको लाना चाहते हैं कि उनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहे। तो उन वजहों से जो है आए हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल ही नामुमकिन है ये आज का। आप लोग किसके साथ हैं? हमने तो ओनली चुना लिया। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। ये देखिए टक्कर में बोल दिया है, चक्कर में पड़े रहिए। और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे उनका व्यू क्या, किस तरीके के। क्या नाम है आपका? ये बच के भाग रहे हैं, कोई बात नहीं। और भी तमाम लोग हैं, औरों से भी पूछते हैं क्या नाम है आपका। उवैस। यही रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ। तो भैया किसके तरफ बटन जाएगा और बटन दबेगा? बटन पतंग की तरफ दबेगा। पतंग की तरफ? बिल्कुल डेफिनेटली दबेगा। 500 रुपए में बुलाई वाली भीड़ नहीं है, जो ऐसे आई है प्यार मोहब्बत के साथ। अब 500 रुपए देते हो, बुलाते हो। बिरयानी तो नहीं बट रही है यहाँ? कहाँ बट रही है बताओ? अगर बिरयानी बटती तो लोग समझते कि बिरयानी के चक्कर में भीड़ आई है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत है लड्डन भाई से, इसलिए ये पीछे अजीज चिकन कॉर्नर भी है। ये तो पहली शॉप है, ये तो शॉप है यहाँ पे, तो आप भीड़ से लग जाओगे, ये शॉप जब भी यही रहेगी। लेकिन ये जो भीड़ है ये लड्डन भाई से प्यार मोहब्बत है दिल से। लेकिन 15 साल से तो एमसीडी में भाजपा है। तो कोई बात नहीं, इस बार हटा देंगे भाजपा को भी। 15 साल से है कोई बात नहीं, 70 साल से कांग्रेस भी थी ना। हाँ। तो भाजपा ने हटाया, अब भाजपा को हम हटा देंगे। हाँ। क्या दिक्कत है? इस बार बटन दबेगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली विल विल। चौथा नंबर। क्या नाम है आपका? शाहवेज खान। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में राजनीति में इतना इंटरेस्ट? और क्या, जब तो मुसलमान आगे बढ़ेगा, जब इतने बड़े बड़े बच्चे आगे बढ़ेंगे। हाँ। और क्या को बोला जाता है कि भैया बच्चे पैदा करने में भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा को वोट भी तो बनानी है ना मुसलमान को, वोट भी तो बनानी है, जभी तो वोट बनेगी हमारी। जनसंख्या कानून जो आ रहा है ना, जनसंख्या कानून भी देख लेंगे जब आएगा, तो जरूरी है मुद्दे में आने के लिए। अच्छा किसकी तरफ जाएंगे? हम तो ओएसी की तरफ जाएंगे। ये भीड़ को देख के मतलब डिसीजन ले रहे हैं या फिर? भीड़ को देख के नहीं, क्या हम अभी विधायक का इलेक्शन लड़के आए हैं सिवाल खास से, रफत खान और भूरे प्रधान। अच्छा। जी। हाँ। और यहाँ भी माशाल्लाह टिकट हमने ही करवाया लड्डन भाई का। अच्छा, इतना इंटरेस्ट ले रहे हो कि मतलब तुमने करवा दिया। हाँ। जी, और क्या लेंगे क्यों नहीं जब हमने करवाया है। क्या नाम है आपका? अरे बच रहे हैं, देखिए कुछ लोग तो कैमरा पे आ रहे हैं, कुछ लोग बच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद यहीं रहते हैं? यस यस यहीं पे रहते हैं। एक्चुअली जैसे देखा जाए MIM को लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जब से MIM आई है, MP वहाँ पे आए, कारपोरेटर वहाँ पे आए, तो काम बहुत ज्यादा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं बटला हाउस में और यहाँ पे नियर बाय में बहुत ज्यादा गंदगी, काम हो नहीं रहा है। और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ औरंगाबाद से, वहाँ पे MIM के कैंडिडेट आने की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, रोड बने, विकास हुआ, वहाँ पे गटर वटर सब साफ हुई है। बटला हाउस में आप देखिए गंदगी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसीलिए जरूरी है कि MIM के कैंडिडेट को जिताया जाए और इसकी वजह से सफाई होगी, काम होगा, विकास बढ़ेगा आगे। हर बार की टक्कर तो आप और बीजेपी में है, तो लगातार दोनों ही अपना सिक्का जमा के बैठे हुए 15 साल से वो है, और ये भी फ्री बिजली पानी दे रही है और बता रही है कि भैया हम ही आने वाले हैं। बोलने में शिक्षा का मॉडल भी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, पब्लिक ने देख लिया है 15 साल में इन्होंने क्या किया। बोलने की विकास इनका सिर्फ बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। MIM बोलती है, काम करती है, बहुत सी चीजें हैं जो MIM ने करके दिखाई, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है औरंगाबाद का, वैसे इंशाल्लाह इधर भी एक चेंज आएगा और जरूर आएगा। MIM इंशाल्लाह यहां से जरूर जीतेगी। AIM ने क्या अल्पसंख्यकों के लिए भी काम किया है? बिल्कुल किया है, जहाँ ये जीते हैं वहाँ किया है, बिहार में जाके पता कर लें, हैदराबाद के लोगों से पता कर लें कितना काम किया अल्पसंख्यकों के लिए। MIM इज़ नॉट अ पार्टी फॉर अ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी की पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, और ये विचारधारा हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 70-80 सालों जो पार्टी बैठी है वो क्या कर रही है आपको ही पता है, सबको पता है। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? तो जॉब, आज छुट्टी, आज तो संडे था, तो इतनी तमाम भीड़ को देख करके डिसीजन ले रहे हैं क्या उनके साथ, ओवैसी के साथ जाएंगे या फिर? नो, ये मैं भीड़ को देखकर नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है और मैं जानता हूँ कई लोगों की ख्वाहिश है जो हम ओवैसी के साथ या MIM के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, ये वक्त की आवाज़ है। अच्छा, क्यों जरूरी है?
क्योंकि परिवर्तन लाना जरूरी है और मुझे लगता है और कई लोगों को लगता है कि MIM वो परिवर्तन ला सकती है। और जैसा कि आपने कहा अल्पसंख्यकों के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए बराबर काम किया है और करेगी, इसलिए परिवर्तन लाना जरूरी है। तो अभी जो तमाम लोगों की राय है, मैं आपको रूबरू करा रही हूँ उनसे कि तमाम लोग जो हैं इसी के साथ घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। तो यहाँ पर जो आप आए थे तो ओवैसी साहब को देखा, मिल लिए? जी जी। तो बहुत लोग दिखा लोगों का यहाँ पर, बाद में पहुँचे हम। हा? बाद में पहुँचे मगर थोड़ा सा तो रूबरू हो ही गए होंगे उनसे। जी जी। तो अभी किस तरफ जाएंगे, बटन किस तरफ दबेगा? इंशाल्लाह इन्हीं की तरफ है। इन्हीं की तरफ दबेगा। क्यों त्रस्त हो गए बीजेपी और आपसे? जी जी, अब बस क्या कहने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। दिया है के। चलिए अभी और भी हैं यहाँ पे, देखिए छोटे छोटे उम्र के युवा भी आए हुए हैं, तमाम लोग हैं। और यहाँ पर अभी मैंने सभी स्टूडेंट से भी बात की, तमाम लोगों से बात की, महिलाओं से भी बात की, और भी लोग यहाँ पर हैं तो मैं उनसे भी आपको रूबरू कराती हूँ। देखिए अभी यहाँ पर सब जगह जो है यहाँ पर मीडिया है और तमाम लोग जो है कैमरा ऑन करके व्यू ही ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? ये युवा वर्ग जो है बहुत ज्यादा दिख रहा है, या क्या नाम है? रहमतुल्लाह। इतना कितना साल की उम्र है? वही 18। 18 साल। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। पढ़ते नहीं है? तो यहाँ पर किस लिए आए थे? ऐसी भाभी से आएगा तो इसलिए देखने के लिए आए थे। क्या देखने के लिए आए थे? जो पता है क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, किस लिए आए है? हाँ पता है, इसके लिए वोट के लिए आए है, जो वोट के लिए आए है। और दिल्ली में जो ये चल रहा है उसके लिए आए है, सही करने के लिए। पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई नहीं किया, मन नहीं हुआ तो नहीं किए हैं। इंटरेस्ट नहीं था? इंटरेस्ट नहीं था, अभी है फिर। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे लेकर आ गया कि ओवैसी साहब आ रहे हैं? छोटा मैंने था, अभी है इंटरेस्ट पढ़ने के लिए। अच्छा, अभी इंटरेस्ट यहाँ पे चुनाव के लिए आए, ओवैसी साहब को देखने के लिए आए थे? चुनाव के लिए आए थे, अभी साहब देखने के लिए भी आए थे। इंटरेस्ट है? हाँ है। किसकी तरफ बटन दबाओगे? हम इसकी तरफ। पतंग की तरफ? पतंग की तरफ। आप क्यों बोल रहे हैं उनकी जवान? बोलेगा तभी पतंग की तरफ, नहीं बोलेगा तभी पतंग की तरफ। 15 साल से जो MCD में भाजपा है, पहले भाजपा क्या नाम है? मजीबुल नाम है मेरा। यही रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। तो क्या करते हैं? मैं करते हैं गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आज ओवैसी साहब को जब आए हैं तो तमाम भीड़ इतनी जुटी हुई है, ये उनको देखकर आई है या अगर वो नहीं आते तब भी आती? जब भी आते हैं, वो उनको देख के भी आए हैं। वो उनको देख कर उनसे प्यार है, लगाव है। हाँ उनसे प्यार है, इसलिए आए हैं। उनको वोट भी सब उन्हीं पतंग को देगा, पतंगियाँ भी उड़ेगा यहाँ से। पतंग को ही देंगे? हाँ पतंग भी देंगे। और आप जो इतना काम कर रही है, अपना नाम गिरा रही है। देखिए जब पहले जब पानी भी आया मगर आप जो है पतंग उड़ेगा अब यहाँ से। हाँ क्यों उड़ेगा पतंग? पतंग एक बार पतंग को भी देख लीजिए, पहले तो झाड़ू चलाया। देखने के लिए कर रहे हैं? मतलब नहीं करेगा काम इसलिए। अच्छा चलिए, और भी लोगों से जानते, क्या नाम है आपका? फूल मिया। यही रहते हैं? ये 500 रुपए वाली भीड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, दर्शकों को बता दो हमें। नहीं, नहीं, नहीं। आपको लग रहा 500 रुपए भीड़? मुझे नहीं लग रहा, आपके ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं ना इसलिए। वो ये दुनिया कुछ भी लगता रहता है इल्जाम। बिरयानी तो नहीं बटी थी यहाँ? नहीं कुछ नहीं। पक्का? पक्का। बिरयानी मिली आपको? खाने को मिली? आपको खाने को मिली तो हमें भी मिली, अगर आपको नहीं मिली हमें नहीं मिली। तो यहाँ पर जो अभी तमाम लोग आए हैं तो किसकी तरफ जाएंगे? ओवैसी। ओवैसी क्यों भाई, क्यों, कारण बताइए। अच्छा आदमी है, काम अच्छा कर रहा है। अच्छा अच्छा आदमी तो और भी लोग है, देखिए मोदी जी भी तो अच्छे आदमी है ना। अभी तक मैम और लोगों को देखा है ना, है केजरीवाल है। मोदी को तो बिल्कुल ही नहीं देना है, वोट को फेंक देना, पर मोदी को वोट नहीं देना, नहीं देना। किया क्या उसने अभी तक? किया क्या मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, कुछ नहीं किया। क्या दिखावा किया? सभी को दिखावा ही किया। मुसलमानों के लिए भैया अजान सुनते हैं, भाषण रोक देते हैं, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ ढोंग है। और महिला लाल किले के प्रांगण से मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाते हैं, मुसलमानों के लिए? अरे मैम कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दिखावा। दिखावा किया? क्या उम्र है? हमारी है 17 साल। 17 साल, तुम्हें भी पता चल गया कि दिखावा हो रहा है? हाँ दिखावा हो रहा। हाँ हो रहा। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है, शेर जो आए थे हमारे, ये हकीकत जो बता के गए, ये हकीकत सच में जी। समझ में आ रहा है या फिर ऐसी भीड़ को देख के बोल रहा? समझ में क्यों नहीं आ रहा? समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं इंटरेस्ट सारे नेता बनो, इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे अपने MIM पार्टी को। कौन शेर? ओवैसी साहब। लेकिन एक ही शेर देश का, एक ही राजा है, एक ही शेर है जिसको बताया जाता है, पता है ना कौन है? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब।
मैम तो आपने पता कौन है, कौन है शेर और कौन है पिल्ला, आपको पता है ना मैम? 56 इंच की छाती किसकी है बताइए? हमारे ओवैसी साहब की, हमारे ओवैसी साहब की छाती, छाती शेर है वो शेर, और हमारे शेर है, और जो शेर चीता लाया है तब वो बात की बात, वो बात की बात नहीं, बन गए थे आने के ही नहीं, आने के बन गए थे। आज तक कोई चीता नहीं लाया, शेरी चीता लेकर आया, शेरी आगा शेर चीता लेकर, कौन सा शेर आएगा? हमारे ओवैसी साहब आएंगे, दुनिया को बताओ तो कौन सा शेर, हमारे ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। देखिए एक शेर थे वो और एक शेर है ओवैसी साहब, तो यहाँ तमाम लोग जो हैं आप समझ सकते हैं किस तरफ जाएगा वोट। तमाम लोगों की जो राय है मैं आपको रूबरू करा रही हूँ उनकी राय से। क्या नाम है आपका? मैं उनके बाप की उम्र का आदमी धक्के दे रहे हैं मुझे। बाप की उम्र हो गए हो क्या? एक उम्र कितनी है मेरी? 18.5। 18.5 है अभी बाप की उम्र के हो रहे थे, मजाक भी हो रहा है। चलिए यहाँ पे वोट किसकी तरफ जाएगा? ओवैसी साहब की तरफ जाएगा वोट। ओवैसी साहब की तरफ? लोगों की राय जानकर बोल रहे हैं या फिर मन से बोल रहे हैं? मन से बोल रहा है, लव यू ओवैसी। क्यों भाई आप क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? बस जब तो ओवैसी साहब को देखना, सबको देख चुके हम। हाँ, जी तो इनको भी देखना है। अब अच्छा क्यों नहीं, देखना नहीं, है मैं सबसे कारण पूछ रही हूँ, कारण नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। बस लोगों को देख के एजेंडा तो नहीं चला भाई साहब? आज भाई से पूछो कारण, ये पूछ रही हूँ ओवैसी साहब क्यों आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? दूसरी सरकार ने क्या करा, क्या करा? अब करेंगे, जो नहीं करा अब करेंगे ओवैसी साहब। और सरकार मौका दे रहा है, हाँ मौका, मौका पूरा मौका मिलेगा इंशाल्लाह आपके। और सरकार ने बहुत मनमानी कर ली, आपके नहीं करेगी, आपके ओवैसी चलेगा और ओवैसी ही रहेंगे इंशाल्लाह, ओवैसी ही आगे बढ़ेगा, रहेंगे अगली बार भी और आपके भी इंशाल्लाह। ये जो ओवैसी साहब का प्यार देखने के लिए मिला है, ओवैसी साहब ही दिखेंगे दिल्ली के ओखला क्षेत्र में और ओखला क्षेत्र। चलिए तमाम लोगों से राय जानी, छोटे से बड़े तक, 16 साल के युवा भी है यहाँ पे, कम उम्र के युवा भी है, सब बुजुर्ग भी थे, स्टूडेंट भी थे। तमाम लोगों की राय ये है कि ओवैसी साहब के साथ जाएंगे। एक शेर वो थे, अभी मैंने दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, एक शेर वो थे, एक शेर ये है ओवैसी साहब। तमाम जनता का जो एक ही नारा लग रहा है वो एक ही शेर की तरफ जो है उनका वोट जाएगा वो है ओवैसी साहब। यहाँ तमाम लोग बोल रहे हैं अब की बार जो है मौका देंगे ओवैसी को, पतंग की तरफ दबेगा बटन। यहाँ तमाम लोगों की राय मैंने आपको सुनाई, और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया कि कचरे के ढेर जगह जगह पर है, गली मोहल्ले में, और नाले बहते हुए हैं। लेकिन 15 साल से भाजपा की सरकार एमसीडी में है, लेकिन उसने दावे वादे के अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। लेकिन अब जो जनता है जागरूक हो चुकी है, और तमाम लोगों की राय एक ही तरफ है, और एक ही तरफ वोट दबेगा वो है पतंग, और एक ही शेर को बताया जा रहा है वो है शेर ओवैसी साहब। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, शाहीन बाग, बटला हाउस।